न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा सीट पर। जितने कांग्रेसी चोर हैं, भ्रष्टाचारी, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते हो? देखो, आरोप तो वो व्यक्ति लगाते हैं जो कुछ नहीं करते। रोजगार कितना मिला हमारे बेरोजगारों को? उत्तराखंड में आएंगे, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं चाहते। तनख्वाह तो आपको चाहिए 50,000 रुपए और चीनी चाहिए 5 रुपए में। जो काम कर रहा है उसके लिए तो पेट्रोल महंगा नहीं, जो आवारागर्दी करेगा उसको तो पेट्रोल महंगा लगेगा। 70 रुपए लीटर होने पे भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे, तो क्या मोदी जी आवारागर्दी करते थे? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा सीट पर, जहां से भाजपा के उमेश शर्मा काऊ वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने इस सीट पर कितना काम किया, क्षेत्र की जनता कितना उनसे खुश है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट जी मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ भाजपा से राकेश काला जी का स्वागत, क्योंकि वो प्रतिनिधि भी हैं विधायक जी के, और उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो बातें हैं, वो भी वो आज जनता को यहाँ बताएंगे। उसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही जो क्षेत्र की जनता है, महिलाएं हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनके सवाल लेंगे, जानेंगे कि कितनी परेशानी उनको इन 4.5 सालों में हुई और कितना विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुआ। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं सत्ताधारी दल से, उनसे पूछते हैं कि क्या विकास कार्य उन्होंने इन 4.5 सालों में किया है। सर, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास कार्य रायपुर की इस सीट पर आप देखते हैं जो विधायक जी ने किए हों। देखिए, अगर रायपुर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो रायपुर में जिस तरीके से सड़कें बनी हैं, ट्यूबवेल बने हैं, या पिछले विगत साल की हम बात करते हैं तो 12 ट्यूबवेल पे काम हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है इतनी खुश है कि तभी जाके जो है 60,000 वोटों से वो जीत के आए हैं, और जो मार्जिन रहा है वो 36,771 का मार्जिन रहा है। कांग्रेस का देख लीजिए क्या हाल रहा है, मुश्किल से 22,000 वोट वहां पे मिले। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को, जो अफजल गुरु की बरसी मनाता है, ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपनी पार्टी में ले लेती है तो तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? जो देश से गद्दारी करते हैं ऐसे लोगों को वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं। घोटाले ऐसे करते हैं कि अगर हम गिनने बैठेंगे तो शायद 1 साल कम पड़ जाएगा। हम शारदा घोटाले की बात कर लेते हैं, हम अगस्ता घोटाले की बात कर लेते हैं, मारुति घोटाले की बात कर लेते हैं, हम बिफोर्स घोटाले की बात कर लेते हैं, कितने घोटाले लाए, कोयला घोटाले की बात कर लेते हैं, हम कितने घोटाले हम आपको यहाँ पे गिनाए, बैठे बैठे हम वक्फ बोर्ड के घोटाले की बात कर लेते हैं, तभी जाके एक मैंडेट, इतना बड़ा मार्जिन यहाँ पे उत्तराखंड की जनता ने, तपोभूमि के लोगों ने, देवभूमि के लोगों ने रायपुर विधायक को दिया है। आप मार्जिन में पुनः रिपीट कर देता हूँ, 36,771 पूरे उत्तराखंड में, 70,070 जो सीटें थी विधानसभा उनमें सबसे बड़ा मैंडेट मिला। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि विकास कार्य क्या किए विधायक जी ने, कांग्रेस पर आरोप, अन्य दलों पर आरोप बाद में लगाएं, पहले विकास कार्य गिनाएं। वही भूमिका बना रहा था कि उनके कार्यों को देखते हुए, उनके कर्म को देखते हुए तभी जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। हम ट्यूबवेल की बात करते हैं, हम सड़क की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे चाहे पार्क की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे चाहे लाइटों की बात कर लेते हैं, नालियों की बात कर लेते हैं, कॉनकेव वैक्स में बननी चाहिए, कॉनकेव वे में बननी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो इस चीज पे जाएंगे, जब नहीं उस चीज को समझेंगे तो नेचुरली कॉनकेव वे में नालियां बनाएंगे। अरे, सड़क हमेशा केव नहीं, कॉन्वेक्स वे में बनती है, ताकि पानी जो है प्रॉपर तरीके से निकल सके, नालियों में बह सके। यही देखते हुए इतना बड़ा मार्जिन यहाँ पे यहाँ के विधायक को मिला है। तो विधायक जी ने बहुत काम किया, ऐसा आपका कहना है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने सुना कि विकास कार्य हुआ, बड़ी तेजी से दौड़ा इन 4.5 सालों में, और खासतौर से आप लोगों पर भी कई आरोप लगाते हुए नजर आई बीजेपी। देखो, आरोप तो वो व्यक्ति लगाते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, अन्यथा वो अपने कामों को गिनाते हैं। आरोप लगाना सरल होता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक साहब जब कांग्रेस कार्यकाल में थे, वही चेहरा है अब भाजपा में है, उस समय उनको 1,017 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार ने दिए थे, और वो विकास कार्य है। वो आज आप देखें ना, आज भी उनके अगर नाम की प्लेट है तो वो तिरंगी है, आज भी लगी है। कोई दुरंगी प्लेट अगर आप देख लें तो शायद मेरे ख्याल से दूरबीन से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद छटपटा रहे हैं।
अगर छटपटा नहीं रहे हैं तो वो अपने कार्यकर्ता को औकात की बात क्यों कह रहे हैं? कोई अपने कार्यकर्ता को कभी कहता है कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है। तो छटपटाहट है कि विकास कार्य नहीं हुई है, इसलिए आज आए दिन आप देखेंगे संगठन और विधायक की बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां भी विधायक जी जा रहे हैं तो संगठन उनके विपरीत कार्य कर रहा। तो या तो विधायक जी के कार्यकलापों से कार्यकर्ता नाराज है, या विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ये दो ही कारण है। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये कांग्रेस कोई झंडा नहीं दिखा रही, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने औकात में रहने की बात नहीं की, ये तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा ना, तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आपका कहना है कि अंदरूनी लड़ाई उनकी खत्म नहीं हो रही, विकास कार्य क्या करेंगे? नई पार्टी हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाह रही है, सर क्या चुनौतियां हैं? सीट तो काफी खतरनाक है। देखिए, सीट तो सारी खतरनाक होती है, दिल्ली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, 3 बार से लगातार विजेता कांग्रेस की सरकार थी वहां, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होता। लेकिन दिल्ली में आज कांग्रेस का 4% वोट बच गया, तो आप कह सकते हैं कि खतरनाक। और ये शब्द लोग चलाते हैं, जानबूझ के चलाते हैं, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री काला जी कह रहे थे कि अगस्ता घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, मतलब बात रायपुर विधानसभा की करनी है तो हम पहुंच जाते हैं कहां, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अरे भैया, अगर ये घोटाले हुए तो जेल कौन गया ये तो बता दो, पिछले 7 साल से किसकी सरकार है केंद्र में, जेल भेजो उन्हें, जितने कांग्रेसी चोर हैं भ्रष्टाचारी उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते हो, उन्हें जेल भेजो। और बात कीजिए ना, यहाँ 32 पुल 5 साल में गिर गए उत्तराखंड में, कुंभ में कोरोना टेस्ट फर्जी घोटाला करोड़ों रुपए का हुआ, उसका क्या? और जो अपने मंत्री के सामने विधायक, अपने ही कार्यकर्ता, भाजपा का मंत्री, भाजपा का विधायक, भाजपा का कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं और एक दूसरे को औकात देखने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब है? मतलब साफ है, जनता तो छोड़िए, आपसे आपका कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है उमेश जी, सच्चाई है। विधायक जी, कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। सर आपने सुना, कांग्रेस ने भी कहा, आम आदमी ने भी कहा, और ये मान सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड ने देखा कि जिस तरीके से विधायक की नाराजगी रही कार्यकर्ताओं से, मंत्री से वो भिड़ते हुए नजर आए ऑन स्क्रीन कैमरा में, तो क्या लगता है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि कुछ नई जगह मिले, कोई नई पार्टी उनको मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेहतर चल रहा है और भी बेहतर होगा। देखिए, ना कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, ना आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे, उन्हें हमारी पार्टी के अंदर झांकने की आदत है, क्योंकि अपनी पार्टी तो उनकी खत्म हो गई। कांग्रेस की बात करें, 32 थी, 32 से जाके वो मुश्किल से अब 11 में आ गए, आने वाले 2022 में शायद वो एक में रह जाएंगे, अगर मेरे काबिल साथी विद्वान प्रखर वक्ता बुरा ना माने, शायद वो एक में रह जाएंगे, मैं भारत शायद मुझसे खुश हो जाए, लेकिन ऑन द स्क्रीन शायद ही गुस्सा हो जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, इन्होंने कहा ठीक है अब दिल्ली की बात करते हैं, हम देहरादून की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, ये फ्री का कुछ नहीं लेते, अपनी कमाई से, अपने दम पे, अपनी मेहनत से पैसा देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैथमेटिकली मैं इनको समझाता हूं, ये कहते हैं हम 1 लाख नौकरी देंगे, संजय जी मैं पहले भी इस पे आपके संग डिबेट में बैठ चुका हूं, ये कहते हैं 1 लाख नौकरी हम उत्तराखंड में देंगे, साहब 60,000 तो राजकीय स्वीकृत पद हैं, 1 लाख कैसे दे देंगे, 43,000 ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, कैसे दे देंगे? माना उदाहरण के तौर के लिए ये 1 लाख नौकरी दे भी देते हैं, प्रति व्यक्ति 30,000 अगर ये देते हैं तनख्वाह, तो 1 महीने का 30 अरब बनता है, 30 अरब को अगर 12 से गुणा कर लेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36,000 अरब बनता है, कहां से दे देंगे? 60,000 करोड़ तो बजट ही उत्तराखंड का। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कहां से दे देंगे? ये कहते हैं प्रति बेरोजगार को 5,000 रुपए दे देंगे, उसको मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2,000 करोड़ के आसपास बैठता है साल का, कहां से दे देंगे ये? बाकी राजस्व का क्या होगा? बाकी जो उन्नति करेगी विधानसभा कोई भी, उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? तो गुमराह कर रहे हैं राजनीतिक दल। अब जनता से जान लेते हैं कि भैया कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैम आपसे जानेंगे, तीनों राजनीतिक दल यहाँ मुख्य दल पहुंचे हैं, किससे आप सवाल पूछना चाहेंगी इन दलों में से? देखिए, इस वक्त क्योंकि केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है डबल इंजन सरकार से ही पूछेंगे हम अपने सवाल, जो जनता के सवाल हैं। हमारा सवाल यह है कि उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे, 2014 की बात है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, महिला सुरक्षा देने का काम करेंगे, यहाँ से पलायन को रोकने का काम करेंगे, पर मुझे लगता है इन तीनों में से कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था वो भी जुमला ही साबित हुआ। तो हम प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे जो बीजेपी के बैठे, क्योंकि
सरकार के नुमाइंदे हैं, तो वही बता दें कि रोजगार कितना मिला हमारे बेरोजगारों को। रोजगार कितना मिला, पलायन क्यों नहीं रोक पाए, डबल इंजन की सरकार थी, लोगों का सवाल आपसे है सीधा। बिल्कुल, देखिए पहला मुद्दा मैं पलायन की बात करता हूँ। पलायन की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद पलायन करके यहाँ आ गए हैं। भाई एग्जाम्पल तो आप सेट करिए ना, आप गाँव में जाइए। पलायन की बात आजकल वो आदमी करता है जो खुद पलायन करके आ गया। जहां तक रोजगार की बात, आपके नेता भी तो पलायन की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री पलायन की बात करते हैं, अध्यक्ष पलायन की बात करते हैं, तो उनको भी जाना चाहिए उन क्षेत्रों में। गाँव वही है, गाँव तो है, रहते क्यों नहीं वहाँ। देखिए आधा परिवार वहाँ रहता है, चाचा ताऊ तो होते होंगे परिवार में, भाई ताऊ वहाँ रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं, मैं खुद हूँ, मेरे ताऊ पहाड़ में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, छुट्टियों में हम वही जाते हैं, घर हमारा वहाँ भी है, यहाँ भी है, दो घर है हमारे। तो प्लान तो तभी रुकेगा ना जब हम खुद एग्जांपल सेट करेंगे। सबसे पहले तो राजनीतिक प्लान करके वो लोग यहाँ आ गए, जो अगर मैं विपक्षी पार्टियों की बात करता हूँ। रही रोजगार की बात, रोजगार पे सरकार बात कर रही है, इन्वेस्टर समिट सरकार करा देती है, ऑल वेदर रोड सरकार बना देती है, कई तरीके की योजना यहाँ पे लाती है, क्यों नहीं? ऑल वेदर रोड सर समय से नहीं हुआ, उसको तो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी लेट लतीफी क्यों? नहीं देखिए काम तो हुआ ना, देखिए विपक्ष है वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही कि लेट लतीफ क्यों हो गया, काम में देर विपक्ष से नहीं सर, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही की बात कर रहा हूँ। कई बार हो सकता है विपक्ष ने आपके कानों में क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन काम तो चल रहा है ना। अब ऑल वेदर रोड ये बताइए आज से पहले, देखिए मैं काबिल मित्र से कहूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा समय है बोलने का। ऑल वेदर रोड पे काम तो चल रहा है ना, कई करोड़ों रुपए सरकार ने वहां पे लगा दी। अब ये विपक्ष वाले ये कहेंगे ये तो केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लोगों के जवाब और लोगों से भी कई सवाल लेते हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुर्सी से उठे हैं, बताइए क्या किससे सवाल? मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी है जिसका आता है वो अपनी पार्टी की बात करता है। अब रायपुर विधानसभा के बाद मैं क्लियर बताना चाहता हूं, मियां वाले में एक दिव्य विहार में एक पुल बना है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 साल होने को आए पुल नहीं बना है, क्योंकि विधायक जी और सरकार में 36 का आंकड़ा है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, ये जो बात कर रहे हैं विधायक की, एक बोर्ड अगर बीजेपी कार्यकाल में लगा हो तो हम उसको बता दीजिएगा आप। मियाले में एक नेशनल हाईवे पुल बना है वो खिल रहा है, बताओ, ये कह रहे विधायक। दर्द तो महोदय इतना है कि जब इलेक्शन टाइम आता है ना, जनता तो पाला बदलती है, बड़े बड़े विधायक बदल रहे, भाई साहब इतने संस्कार नीचे गिर गए कि कोई स्केल ही नहीं कोई मापने का, पाले बदल रहे हैं भाई साहब। आपका कोई सवाल? बिल्कुल, अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि पलायन, राजनीतिक पलायन, राजनीतिक पलायन की बात की, राजनीतिक पलायन में तो भाजपा नंबर वन है, क्यों नहीं हमारे भाजपा के प्रवक्ता बताते कि उन्होंने राजकुमार को पुरोला से और क्यों प्रीतम पवार को राजनीतिक पलायन कराया। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपको भी दुरुस्त कराना चाहूँगा, आपने इनका परिचय कराया कि भाजपा के प्रवक्ता, मैं आपको दुरुस्त कराना चाहूँगा, ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं मिस्टर काऊ के प्रवक्ता हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा संगठन काऊ जी को अपना विधायक नहीं मानता है, ये आप इनसे पूछ के देख लीजिए, और क्यों नहीं मानता है ये पूछिए। कोई जन समस्या आपकी? जन समस्या मैं एक पूछना चाहूंगा कि जब भाजपा, जब यही हमारे काऊ जी 457 वोट से जीते थे, तब 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट उन्हें रायपुर विधानसभा के लिए मिला था, लेकिन जब 37 इनके हिसाब से जब एक प्रचंड बहुमत से जीत के जब वो आए हैं, उसके बाद क्यों नहीं एक भी रोड दिखा दे जो उन्होंने बनाई हो? क्या पैचवर्क विधायक का काम रह गया, पैचवर्क कराना सिर्फ, कहां गए? सर आपका कोई सवाल? हमारी तरफ से तो वही सवाल है, क्योंकि जो सभी ने बता दिया कमियां तो सारी कुछ है इस विधानसभा सीट पर, कमियां बहुत है, कमियां सुधारने की जरूरत है, विधायक लंबे समय से हैं लेकिन कमियां नहीं सुधरी। सर आप लोगों ने सुना कि लोग कितने परेशान हैं, अब आप ही बताइए सरकार से क्या सवाल बनता है? नहीं, सरकार व्यवस्था के लिए होती है, सरकार से हर चीज की अपेक्षाएं। मैं तो आदरणीय काला साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके 9 संकल्प थे 2017 में, आप जनता के बीच गए तो आपके 9 संकल्प थे, उन 9 संकल्प में 1 संकल्प बता दें कि आपने पूरा किया हो। आपने पलायन की बात की, अरे आपका तो पलायन आयोग का अध्यक्ष ही पलायन कर गया, छोड़ गया। हम कह रहे हैं कि यहाँ नेहरू कॉलोनी है जहाँ हम ये डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि सीवर लाइन बिछाए, तब तो सीवर लाइन पड़ रही, जब कांग्रेस के लोग कार्य नहीं हुआ, ऐसा आपका कहना है? सर आपने सुना, जनता की आवाज भी सुनी, अपने विपक्षी दलों की आवाज भी सुनी, क्या जवाब देंगे? खास तौर से जनता का जो सवाल था कि पुल लंबे समय से रुके हुए थे, सड़कें नहीं बनी। बिल्कुल, पुलों पे भी काम चल रहा है, आप हरिद्वार में देख लीजिए किस तरीके से वहां से पुल बने हैं। पहले रायपुर सीट की बात होगी, रायपुर विधानसभा सीट की मैं पूरी बात कह दूं, मैं पूरा ही कह दूं, अगर यहाँ के लोग हरिद्वार निकलेंगे, रायपुर होते भी निकलेंगे, डायरेक्ट हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना? नहीं, या तो आप ही बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए,
ठीक है ना, जो सुविधा जनता जनता सवाल जानना चाहती है, इसीलिए यहाँ जनता पहुंची है कि हम बीच का माध्यम बने, आपके इनके सवाल सुने। देखिए रायपुर की भी बात करें, रायपुर बीजेपी से अलग नहीं है, बीजेपी रायपुर एक ही है, ठीक है, चाहे हम रायपुर की बात करें, चाहे हम डोयाले की बात करें, विधायक तो बीजेपी के ही हैं, उसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप नहीं, आप संगठन नहीं है ना, आपके बोलने से नहीं होता। देखिए आप संगठन नहीं है, आप इसका कहीं जियो, आप अगर आपके पास कोई जियो तो आप जियो दिखा दीजिए, आपके पास कोई जियो है तो आप जियो दिखा दीजिए, ऐसे नहीं। सर क्षेत्र की बात होगी, लोगों की समस्याओं की बात होगी, ये केवल पार्टी का कोई अभी इस पे डिस्कस ना हो तो बेहतर रहेगा। नहीं, दिक्कत है कि आप सुनेंगे तभी तो मैं बात कह पाऊंगा ना। आपने कहा भाई जहां तक प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, भाई सिविल लाइन की बात करते हैं, सिविल लाइन एक दिन में सारी जगह तो पढ़नी जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, टर्म बाय टर्म, भाई वहाँ पे सिविल लाइन पड़ेगी। सर 4.5 साल का समय निकल गया, इससे पहले भी वही विधायक थे, बिल्कुल बहुत अच्छा, क्षेत्र एक ही था। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उससे पहले भी वही विधायक थे, अभी हमारे काबिल साथी ने कहा कि 400 कुछ वोटों से जीते थे, क्या कारण है कि वो जो 400 वोट से जीतने वाला व्यक्ति 36,771 वोट के मार्जिन से जीतता है, 60,000 के लगभग उनको वोट मिलते हैं, कोई तो कारण होगा सर। पहले भी आपने टोका कि क्षेत्र पर बात करें, अभी फिर से वो बाहर की बातें करने लगे, लोगों की समस्या भी आपने सुनी, आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपका स्टैंड है? देखिए सीधी सी बात है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि अगर 1,00,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो कैसे रोजगार दोगे, कहां से उनकी तनख्वाह दोगे, कहां से उनका पैसा लाओगे, सारे लोग पलायन कर जाते हैं, ये सब पलायन कर जाते हैं। अरे भैया आपके सारे नेता, बीजेपी के नेता पलायन नहीं करे क्या? आपके मुख्यमंत्री जो पहले निशंक थे वो पलायन करे, दूसरे पलायन करे। और जहां तक बात है ना रोजगार की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम रोजगार नहीं दे सकते, हमारी नियत रोजगार देने की नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं उत्तराखंड में जितने संसाधन है पूरे देश में ऐसे संसाधन नहीं है, इतने संसाधन है, लेकिन 21 साल से जो 11 मुख्यमंत्री और 8 राज्यपाल आ गए उत्तराखंड में, उन सब लोगों ने खाली कर दिया उत्तराखंड को खाली किया है, उत्तराखंड के जो जनमानस है उसे पलायन पे मजबूर किया, रोजगार देने की इनकी ना नीति है ना नियत है। अगर इनकी नीति और नियत रोजगार देने की होती तो ये रोजगार देते, लेकिन ये सवाल उठा रहे कहां से करेंगे। अरे भैया दिल्ली में भी तो हम फ्री दे रहे हैं बिजली, तो यहां भी फ्री दे देंगे। एक मिनट, सवाल पूरा नहीं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब राकेश कालाजी कहते हैं कि केजरीवाल जी कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भैया आपके मंत्री हरक सिंह रावत कह रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 3 महीने हो गए, कहाँ है वो 100 यूनिट बिजली फ्री? 100 यूनिट बिजली फ्री कहाँ है सर? आपके ही मंत्री ने कहा था, जैसे ही उनको विभाग मिला उसके बाद उन्होंने ये बात उठाई कि हम बिजली फ्री देंगे। बिल्कुल, पहले तो मैं अपने काबिल मित्र संजय भट्ट जी की बात कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में रोजगार की बात करेंगे, साहब पहले अपने गिरेबन में जाके दिल्ली के अंदर 8,00,000 नौकरियों की बात करते हैं और 215 नौकरी देते हैं 3 साल के अंदर, 8,00,000 में से 215 नौकरी, शर्म की बात है। पहाड़ की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने पहाड़ देखा ही नहीं। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने अपनी एकेडमिक का परिचय दीजिए, अरे अपनी योग्यता का परिचय दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हम पहाड़ की लड़ाई लड़ेंगे, इनको कोटद्वार के आगे का ज्ञान ही नहीं है, इनके अंदर दिक्कत है। जिस आदमी ने मेहनत की उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, ग्रास रूट और पैरासूट की राजनीति करते हैं, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं उनको। सर ये आपकी लड़ाई होती रहेगी, जनता से जान लेते हैं, समस्या उनकी सुन लेते हैं, आप बैठे हैं, आपकी कोई समस्या किसी से सवाल राजनीतिक दल से, किसी भी राजनीतिक दल? हमें ये समस्या है ना, जैसे ये कह रहे हैं कि चलो जी वहाँ पे क्या रोजगार दिया मोदी जी ने चाहे नौकरी नहीं दी लेकिन स्वरोजगार बहुत दिए और अभी तक दे रहे हैं कि लोग खुद अपना रोजगार खोले। मोदी जी तो खुद चाह रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बने। मोदी जी जो चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन विधायक जी क्या दे रहे हैं ये बताइए। विधायक जी क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग विधायक जी के पास जाते हैं उनका काम होता है, किसी को अगर स्वरोजगार के लिए लोन की है तो विधायक जी करते हैं। सड़क के लिए हम कभी किसी काम के लिए जाते हैं, विधायक जी सुनते हैं, करते हैं। आपकी समस्याएं पूरी हो रही हैं? हमारी समस्याएं पूरी हो रही है, हम संतुष्ट हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उससे आपको कोई नाराजगी नहीं है? वो तो नेशनल रेवेन्यू पे ही बढ़े हुए, तभी तो सरकार उससे, तो केंद्र सरकार तो आपको कोई नाराजगी नहीं है? भाई सरकार उतने दे रही है, हमें क्यों नाराजगी होगी? बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात है, 300 के बाद एक बढ़ेगा ना तो सीधा 10,000 बिल दे देंगे, जैसे दिल्ली में उन्होंने रुला रखा लोगों को, वैसे यहाँ भी रुलाएंगे। भैया हम फ्री का खाना, आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ हम ये कह रहे हैं दिल्ली बना रहे हैं, दिल्ली बना रहे हैं, कब करेंगे ये?
हम यहाँ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं चाहते। स्थिति नहीं होने देंगे जो दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली में तो लोग जो रह रहे हैं वो इसे सवाल है कि फ्री की बिजली नहीं चाहिए, फ्री का आपका कुछ नहीं चाहिए, आप बोरी बिस्तरा पैक करें वापस दिल्ली निकलें, हमें आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जी देखिए कुछ भी फ्री नहीं होता, पहली बात कुछ भी फ्री नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक मंत्री मुख्यमंत्री है क्या वो फ्री की बिजली नहीं ले रहे हैं? भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक को समान अधिकार है, जब सबको समान अधिकार है तो मुख्यमंत्री को फ्री और मुझे फ्री या काला जी को फ्री क्यों नहीं? सबको समान अधिकार भारत का संविधान देता है, इस संविधान ने सबको अधिकार दिया। और दूसरी बात उत्तराखंड, उत्तराखंड तो बिजली का किसान है, किसान जैसी हाल किसानों की है वैसी हाल हमारे उत्तराखंड में बिजली बनती है। हमारी टीरी से जब टीरी बांध बना हमारे गांव खाली कर लिए, हमारे गांव खाली कर लिए, हमारे खेत खाली कर लिए, हमारी पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी। और बिजली 12% बिजली मिलती है, 12% ये दिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उत्तराखंड को, यू टीरी बांध से 12% बिजली। जनता जनता फ्री बिजली चाहती है नहीं चाहती है ये तो फैसला जनता करेगी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता तो बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करेंगे। जिसे गैस महंगे होने से फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में आप खुश हो सकते हैं। जिन्हें गैस से फर्क नहीं पड़ता उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप चाहते हैं फ्री बिजली मिले उत्तराखंड के लोगों को? देखिए सवाल इस बात का है कि फ्री या उत्पादन का, ये उत्तराखंड स्वाभिमानी है। हमारा ये कहना है कि या नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ वहीं, हम फ्री नहीं दे रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि का है। हम उनके द्वारा उत्पादन नहीं, मैं देखो हम फ्री कब दे रहे हैं, हमको ज्ञान है। हरीश रावत यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जानकारी है कि उत्पादन कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। उनको कितना, आप कितना देंगे? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब को उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति का कतई ज्ञान नहीं है, ना वो यहाँ का उत्पादन जानते हैं। निश्चित तौर पर दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा सवाल तो ये कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये उत्तराखंड के लोगों को ठगने का काम ना करे। सवाल लोगों को ठगने का काम ना करे, फ्री की बिजली की बात ना करे। सर आपकी बिजली की बात आपके मंत्री जी ने कही थी, अब आप क्या कहते हैं, बिजली फ्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? देखिए अभी हमारे विद्वान वक्ता जो कांग्रेस के हैं रतुड़ी साहब, उन्होंने कहा है कि काबिल लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, उनको फ्री चीज नहीं चाहिए। आपके मंत्री जी क्यों देना चाह रहे थे? वो तो मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन बहरहाल फ्री बिजली नहीं चाहिए। जहां तक देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें, अगर ये तरीके से काम कर लेते तो कम से कम आज हमारा देश जापान से आगे होता, जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने। जिन्होंने आप ये बात की कि हम फ्री बिजली देंगे, ऊर्जा के मंत्री हैं वो, जैसे ही विभाग मिला उन्होंने भी घोषणा की, अब आप कह रहे हैं कि वो तो मंत्री जी जवाब दें, तो क्या तो काऊ साहब या आप उनसे अलग हैं क्या? नहीं अलग नहीं है, ये कॉपी पेस्ट वाली पार्टी है। अगर हमारा मंत्री कहते हैं कि हम 100 यूनिट देंगे, कांग्रेस कहती है 200, ये कहते हैं 300, हम निकालते हैं जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस निकाल देती है जन परिवर्तन, ये निकाल देते हैं तिरंगा यात्रा, तो ये कई सारी चीजें, ये देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए, या तो उनसे पूछ लीजिए या मुझसे जवाब ले लीजिए, ठीक है ना? जनता से पूछ लेते हैं। आप काफी नाराज लग रहे हैं सरकार के प्रवक्ता से, क्या सवाल है आप? देखिए अभी कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली की बात हो रही है, अभी इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आजादी के बाद हम पहली बार चीनी फ्री दे रहे हैं, और वो गरीबों की चीनी इन्होंने बंद करा दी है, और उसमें बताएं ये चीनी क्यों बंद करा दी है, यूनिट बिजली क्या देंगे, इन्होंने चीनी बंद करा दी जनता की, क्यों करा दी? ठीक है सर आप भी कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, 2 करोड़ से हमारे मुख्यमंत्री 40 जा रहे हैं, फिर वो 20 जा रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स कोटा 4% लाकर जो इस प्रदेश के लिए नेशनल खेल रहे हैं उसको लागू करें, कम से कम उनको तो रोजगार दे, खिलाड़ियों को तो कम से कम रोजगार दे। आपका कोई सवाल? भैया मेरा सवाल काला जी से है, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी कॉपी पेस्ट की राजनीति करती है, अब कॉपी पेस्ट आज ही के दिन बीजेपी ने किया है, जो केजरीवाल जी की फरिश्ते योजना है उसके तहत दुर्घटना में जो भी घायल है उसे 5,000 रुपए मिलता है, आज केंद्र सरकार ने उस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया, तो कॉपी पेस्ट कौन सी सरकार है? पेस्ट की राजनीति सभी दल करते हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो आम आदमी। मैम रसोई गैस बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, हम लोगों को भी करती है, हर महिला चाहती है कि रसोई गैस का दाम घटे, उसको लेकर कोई सवाल कोई चिंता जहन में आपके?
देखिए सवाल तो बहुत है भाजपा की पार्टी से, सरकार से, लेकिन जवाब कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि जवाब है ही नहीं उनके पास देने के लिए। चाहे गैस के दाम पे देख लीजिए, चाहे महंगाई पे देख लीजिए, चीनी पे देख लीजिए, पेट्रोल पे देख लीजिए, घर की रसोई का जो सामान है, एक एक सामान, चीनी इतनी महंगी हो चुकी है, चावल दाल से लेके हर चीज, चलिए वो भी हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। लेकिन एक अभी हमारे काला जी कह रहे थे, क्योंकि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि नेशनल, इस डिबेट में नेशनल की बात ली, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अभी जो किसानों को कुचला गया मंत्री जी की गाड़ी से, राज्य गृह मंत्री की गाड़ी से, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये भी बड़ा क्षेत्रीय समस्या हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काला जी ने, क्योंकि काला जी ने अभी नेशनल जब बात करी तब मेरे मुंह से वो निकला। बाकी तो गैस आप सस्ता कर दीजिए, आपने वादा किया था महंगाई, आप अगर आए थे, आपने 2014 में अगर जो वादा किया था देश की जनता से कि महंगाई को कम करूंगा, बेरोजगारी को कम करूंगा, तो ये तो दोनों तीनों चीजें 10% बढ़ चुकी है, तो महंगाई और रोजगारी कहाँ बढ़ी है, कहाँ कम हुई है जरा? महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार नहीं मिला, और भी कई मामलों को लेकर आपको घेरते हुए नजर आ रही है जनता। नहीं, बिल्कुल घेरते हुए इसलिए नजर आएंगे, जब आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे, विपुल पंचाल जी आम आदमी पार्टी में, तो नेचुरली वो ऐसा ही प्रश्न करेंगे, फिर भी हम जवाब देंगे। जहां तक आपने बात कही रोजगार की, रोजगार लोगों को मिल रहा है, जहां तक आपने बात कही महंगाई की, तो तनख्वाह भी लोगों की बढ़ रही है। आप क्या चाहते हैं कि पहले अगर चीनी 5 रुपए किलो आती थी, आप 5 रुपए किलो तो संभव नहीं है ना, तनख्वाह भी बढ़ रही है, तो तनख्वाह भी आप 20 रुपए ले लीजिए, तनख्वाह तो आपको चाहिए 50,000 रुपए, और चीनी चाहिए 5 रुपए में, तो वो भी तो आप देखिए राजस्व कहां से प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं सरकार उन्नति कर रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, पत्थरबाज कम हो गए, राम मंदिर बन गया है, इसमें क्या सर, राम मंदिर की कहानी नहीं सर, रायपुर की कोई सीट की समस्या। देखिए समर्थन तो हमारा भी था, जिंदाबाद तो हमने भी करा था, इनको वहां भी तकलीफ होती है। महंगाई कम हुई है, महंगाई उस तेजी से नहीं बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो तनख्वाह भी सरकार में यहाँ पे बढ़ी, तनख्वाह भी बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है, ऐसा भाजपा का कहना है। सर आप पूछ रहे थे, देखिए हम बात कर रहे हैं नेशनल मुद्दों के, भाई यहाँ की बात कर लो ना, रायपुर में जो काऊ विधायक जी हैं, काऊ साहब, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रश्न उठा रहे हैं? क्योंकि हम इस विशेष सीट की पे चर्चा पे डिबेट पे बैठे हैं, इसी विधानसभा में पुल गिर जाता है, इसी विधानसभा में ऐसा ऐसी जगह है कि रस्सी खींचते हैं, तार बंधी है नदी पर, उससे बच्चे आर पार जाते हैं स्कूल के लिए। ये राजधानी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की राजधानी में पुल नहीं बने, बच्चों को नदी पार करने के लिए तार से खींच कर पार जाना पड़ता है। ये इस रायपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ जो देहरादून राजधानी के अंदर है, तो ये हालात हैं। आपके सवालों को भी लेते हैं सर, पुल टूट जाते हैं, बच्चों को रस्सी खींच कर जाना पड़ता है, ये कब तक ठीक होगा, विधायक जी कब करेंगे इसे, ऐसा आम आदमी का कहना है। अगर हम आम आदमी से पूछे कहां पुल में रस्सी के सहारे जा रहे हैं, वो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किताब में पढ़ा, वो पढ़ने की राजनीति करते हैं, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड की राजनीति नहीं करते हैं। रही पुल की बात, किसी ने वहां जाके तो तोड़ा नहीं है, उस समय की बात है, दिल्ली में भी टूट जाते हैं ये कहीं कहीं। अगर हम रायपुर की बात करते हैं, अगर हम रायपुर की बात करते हैं, रायपुर क्षेत्र की बात करते हैं, मैं बार बार उदाहरण दे चुका हूं कि जो विधायक, अब मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि उनको डिबेट में सिखाया जाता है कि जब जवाब ना मिले तो आप इंटरप्ट कर देना, जब आप पे आंसर ना मिले तो डिस्टर्ब कर देना, ये इनमें सिखाया जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं। अब दिक्कत है कि वो मैनिपुलेटेड है, तो उनकी बात अलग है ना, क्योंकि उनको सुनना है ही नहीं। अब जहां तक रायपुर विधानसभा की बात है, देखिए मैं तीसरी बार कह रहा हूं, जो विधायक 400 वोट से जीतता है और 2017 में वो 36,771 वोटों से जीत जाता है, तो कोई बात तो उस विधायक के अंदर होगी, कोई ना कोई काम तो उस विधायक ने किया होगा, तो उस विधायक के अंदर होगी। और एक और नई चीज, एक नई चीज सर अभी लेते हैं, सवाल लेते हैं, एक चलिए आपका सवाल है तो बताइए, सवाल पूछ लेते हैं सर। 2012 में काऊ साहब कांग्रेस के टिकट पे लड़े, 17 में बीजेपी के टिकट पे लड़े, तो अब ये 22 में कौन से टिकट पे लड़ेंगे बीजेपी के विधायक, प्रवक्ता साहब बता दें सर। अब ये बड़ा अलग सा सवाल पूछा है कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस सीट से एक बड़ी चीज ये है कि काफी हॉट सीट है, धन सिंह रावत जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी वहां से तैयारी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां से कह रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है? पेपरों में मनगढ़ंत चीजें कह रहे हैं, वो बीजेपी से ही लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना बड़ा देखिए अब दिक्कत है, फिर ये इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि सामने कैमरा के पीछे जो खड़े हैं वो भी आम आदमी पार्टी के बगल वाले भी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इनको कि जहां जवाब मिलेगा वहां इंटरप्ट करेंगे, इसी पार्टी से लड़ेंगे और बहुत बड़ा मैंडेट लेके आएंगे। और मैं कहना चाहूंगा अब की बार 1,00,000 पार रायपुर विधानसभा, 1,00,000 पार रायपुर विधानसभा सीट से सर, अब की बार 1,00,000 पार है। अब देखिए 1,00,000 पार होते हैं या बिल्कुल पार होते हैं, ये तो जनता है, जनता जनार्दन है, ये बताएगी आपने काम क्या किया, ये वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमसे कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं कि एक छोटा सा काम था सीवर लाइन का, उसके लिए भी लोगों को धरना देना पड़ रहा, कहाँ काम हो रहा है?
कहीं जरा बताएं अस्पताल की हालत क्या है। रायपुर में एक सरकारी अस्पताल है, जरा जाके देखें उसकी। देखिए ये कांग्रेस के कार्यकाल का जो काम था काऊ जी के चेहरे पर 1017 करोड़ का, उसका फायदा मिला कि ये व्यक्ति ने काम किया। लेकिन अब उनको न तो कोई बजट मिल रहा और वो हताशा में है, निराशा में है। और मेरी बहुत सारे मित्र हैं यहाँ भाजपा के, जब केवल 25 रुपए या 4 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ता था तो सर पे उठाते थे 375 में। आज 1000 है तो महंगा नहीं है, 100 रुपए पेट्रोल पार है तो महंगा नहीं है, डीजल आज महंगा है तो वो नहीं है, खाद्य तेल आज 200 रुपए पार है तो महंगाई नहीं। तो भैया जब इन्हें कोई महंगाई नजर नहीं आ रही है तो भगवान इनका भला करे, सद्बुद्धि दे, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। सर कोई सवाल किसी राजनीतिक दल से आपका? मेरा तो एक आम सी बात है, जैसे आपने गैस सिलेंडर वाली बात करी थी, एक जमाना अगर ये सब भाई बंद होंगे यहाँ पे, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ बिल्कुल, कि गैस नहीं मिलती थी, लोग रात रात को यहाँ से भी हमारे इधर क्षेत्र से भी लोग रात को वहाँ बिस्तर लेके जाते थे। एक मिनट भाई साहब, अगर आप कहें तो बोल लूँ, अगर आप कहें तो बोल लूँ, वरना आप ही बोल लो। अगर आप मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, आप एक मिनट पूरी बात होने दो, आप पूरी बात होने दो, उसके बाद आप बोल लेना जो मैं, आप पूरी बोल। सवाल सवाल सवाल, आप लोग लड़ते रहना, आप लोग लड़ते रहना, थोड़ी देर में आप लोगों के पास समय है अभी, लेकिन पहले सवाल समझ लें। आपके पास सर, सर किसी ने बोला, आप अपनी समस्या नहीं, हमने बोला क्या अपनी समस्या, हमने समस्या नहीं, उसमें हम भी थे, वो समस्या में हम भी थे। रात रात जाके बिस्तर लगा के रोज रात को सिलेंडर लेते थे, कितना का सिलेंडर पड़ता था, जिसको मिल गया ठीक है, नहीं तो बेचारे ब्लैक में ले रहा है, कितना का लेता था ये भी मालूम होगा। अगर आज उतना का मिल रहा है और वो पैसा दिख रहा है कहीं लगता हुआ, पेट्रोल आप तो स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल भी जो 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 काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसके लिए तो पेट्रोल महंगा नहीं है, जो आवारा गिरती करेगा उसको तो पेट्रोल महंगा लगेगा। आपके लिए महंगा नहीं पेट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ठीक है, आपके लिए पेट्रोल ठीक है। मैम आपका रसोई गैस सस्ता या नहीं, रसोई गैस सस्ता होना चाहिए न नहीं? मेरा मानना तो यह है कि रसोई गैस जो बढ़ रही है तो वो कहीं अच्छे काम में जा रही है और वो हमारे ही लोगों के काम में आ रही है रसोई गैस। लेकिन उस गरीब आदमी का क्या जो रसोई गैस खरीदने की स्थिति में नहीं होता, इतना महंगा गैस, उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए सब्सिडी, हमारे सब्सिडी तो बंद हो गई, सब्सिडी नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके घर आती सब्सिडी? नहीं, हमने जब आती थी हमने बंद कर दी थी, हमने खुद ही वो रोक दी थी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे सिलेंडर की बात हो रही है तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो संतुष्ट भी है कि जो वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको भी, आपको दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों को तो मेरे साथ ही ठीक है, दिक्कतें हैं क्या, दिक्कतें हैं? मेरी बात तो सुनिए, ये जो पैसा जा रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि किसी, ऐसे नहीं कि उड़ा रहे हैं इन पैसों को, ये है देश की उन्नति। पहले भारत कहाँ था, कहाँ स्टैंड करता था, कहाँ से कहाँ? आप कह रहे हैं मोदी जी ने उठाया, रायपुर की सीट पर कुछ काम हो ना हो, मोदी जी पर बात नहीं, विधायक जी पे होगी, विधायक जी पर बात की जाएगी। आप अपने क्षेत्र की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। की बात करने से पहले एक मिनट कहना चाहूंगा कि हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि जो आवारा गर्दी करते हैं उनके लिए 100 रुपए लीटर है, तो जब 70 रुपए लीटर होने पे भाजपा के लोग प्रदर्शन करते थे कि तो क्या मोदी जी आवारा गर्दी करते थे, अमित शाह जी आवारा गर्दी करते थे, ये सब लोग 70 रुपए पे आवारा गर्दी करते थे जब ये प्रदर्शन किया करते थे? आपको फर्क पड़ता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं आपको पड़ता है? अरे पूरी तरह पड़ गया, गाड़ी चलानी बंद कर दी, बाइक से चल रहा हूँ, दो टोक आपको पड़ता है, सारी चीज पे फर्क पड़ा है, महंगाई पे फर्क आपको पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल महंगाई पे फर्क पड़ता है, रसोई पे आँच आती है, गाड़ियाँ नहीं चलती है, गाड़ियों के टायर जाम हो चुके हैं इस वक्त। बात कहना चाहता हूँ, जो नेचुरल रूप है महंगाई से तो सबने तोबा तोबा कर ली। और रही बात रायपुर विधानसभा रायपुर की विकास की, 5 साल में एक पुल नहीं बना, आप कृपया करके काऊ जी से पूछना कारण क्या है, क्यों कारण इनकी पार्टी में विद्रोह है ना भाई? कौन सा पुल बनवाना चाहते हैं? मैं नहीं बनवाना चाहता, सभी जनता का, जनता मतलब आप जनता ही हैं। में एक पुल बना हुआ है, उसमें जो सरकार की, देखो मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, जो मुखिया है और उमेश काऊ जी है, इनमें 36 का आंकड़ा रहा, उसमें भी इसकी हम आम जनता, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वहां से 9 किलोमीटर घूम कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं विकास हो रहा है,
त्रिवेंद्र रावत और काऊ जी के बीच की मुठभेड़ का कारण जनता बन रही है, जनता का हो रहे हैं परेशान, पुल नहीं बन पा रहा, उसका कारण था त्रिवेंद्र रावत जी और आपके जो वर्तमान विधायक है उनकी आपस के मतभेद। कब तक सुलझेंगे, कब तक इनका विकास होगा? ये कांग्रेस के व्यक्ति हैं तो नेचुरली ये ऐसी अफवाह फैलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप दिखाते वही ना, फिर इंटरप्ट करेंगे। मैं बात पहुंचाना चाहूंगा लाखों जनता तक, करोड़ों जनता तक, लेकिन इंटरप्ट करेंगे। अभी देखिए सारे प्रोग्रेस के वर्क चल रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर आरपी रतोड़ी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। मैं आ रहा हूँ, सिलेंडर पे जाएंगे, सिलेंडर पे जाएंगे, लेकिन पहले पुल कब, क्योंकि पुल से गुजरना है रायपुर की विधानसभा की जनता ने। पुल अगर आपने देखा है तो उसके मुझे विजुअल दिखा दीजिए। उन्होंने कहा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली आप देखिए तब मुझसे सवाल करिए। कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे 9 किलोमीटर, हाउ इट इज पॉसिबल 9 किलोमीटर बच्चे पैदल जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है? ये मनगढ़ंत चीजें उन्होंने लगा दी हैं, वो कई इस तरीके की चीजें लगा रहे हैं। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं हमारे काबिल मित्र डॉक्टर आरपी रतुड़ी जी से। वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। डॉक्टर साहब पहले फीस आप 5 रुपए लेते थे, अब 1000 रुपए फीस लेते हैं। सिलेंडर क्या आप चाहते हैं 5 रुपए में मिले? डॉक्टर साहब ये तो आप पे पर्सनल अटैक हो गया कि आपने फीस बढ़ा दी, तो भाई महंगाई भी बढ़ गई। देखिए जब सावन में कोई अंधा होता है ना तो उसे हरा हरा दिखता है, उसे आम जनता नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादातर सावन में अंधे हो गए। इन्हें कांग्रेस के कार्यकाल के 20 रुपए महंगे लगते थे और अब उन्हें 400 रुपए महंगे, वो महंगाई नजर नहीं आ रही और वो विकास दिख रहा। सवाल स्पष्ट होनी चाहिए, जनता का शोषण आप कर रहे हो, नीति और नियत की बात करो, नीति नियत साफ करो, नीति नियत साफ करे, राजनीतिक दल विकास कार्य करे, क्षेत्र की जनता को परेशान ना होना पड़े। सर आम जनता कह रही है पुल नहीं है, सर कह रहे हैं कि हमें दिखाइए तब हम मानेंगे कि पुल नहीं है। क्या लगता है कि पहले दिखाना पड़ेगा पुल नहीं है, उसके बाद ही पुल बनेंगे? अब इससे ये देखिए जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इससे ये बात तो एक स्पष्ट होती है कि इनके प्रवक्ता और इनके विधायक जनता के बीच जाते नहीं है, क्षेत्र में घूमते नहीं है, क्षेत्र के अंदर आते नहीं है। इसीलिए तो इन्हें ये दिखाई नहीं दिया कि जो जनता बोल रही है कि भाई पुल नहीं है, पुल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पुल रस्सी से खींच के बच्चों को पार करना पड़ता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये ना तो क्षेत्र में जानते हैं, ना इनके विधायक क्षेत्र में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरे के पूरी पूरे उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है, पूरे उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है। 1 दर्जन विधायकों का भारतीय जनता पार्टी के जनता ने विरोध किया है, इनके जो स्पीकर हैं स्पीकर तक का विरोध हुआ। बताओ वहां क्या नाम है वहां का, झबरेड़ा में तो विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ये कह दिया कि यहां ना जाइए, लट रखा तेरे लिए। और बात सुनो, एक बात और है, जनता क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ हमेशा त्रस्त होती रही और सत्ता परिवर्तन करी, कांग्रेस की सरकार आई उससे उसके भ्रष्टाचार और निकम्मेपन नकारात्मक, लेकिन जनता तो कह रही बिजली चाहिए ही नहीं, कोई काम बताओ, त्रस्त हो गई। और उसके बाद भाजपा आई तो उससे त्रस्त हो गई। अगर कांग्रेस को कोई वोट देगा तो उनका विधायक बिककर भाजपा में चला जाएगा, भाजपा की सरकार। आपसे पूछते हैं जरा भाई साहब, सुनिए ये कह रहे हैं यहाँ पे खुद इन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए, एंकर का हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं। क्या कल के दिन भगवान ना करे इनका एक भी विधायक आता है, क्या ये यहाँ की जनता को जीने देंगे? एंकर का जो हाथ पकड़ ले, बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़े हो जाते। नहीं नहीं, आप पे जवाब ही नहीं, आप जवाब क्या देंगे? अरे देखिए अभी शायद गला ना पकड़ ले, अरे थोड़ा गैप बनाइए, ये कहीं ऐसा ना गला ना पकड़ ले, ऐसे इनके प्रवक्ता है। काला जी ने क्या कहा? काला जी ने कहा कि अगर इनका एक विधायक भी आ गया वो गला पकड़ लेगा। हम तो आए इसलिए कि भ्रष्टाचारियों का गला पकड़े, हम गला पकड़ने तो आए हैं भ्रष्टाचारियों का। भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी, उनका गला पकड़ने ही आया है। उत्तराखंड की जनता के लिए काम करेंगे, ये गला पकड़ना ही हमारा काम है। तारों की पार्टी है, कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा दिया है। आप देख लीजिए इनके अरविंद केजरीवाल संयोजक को देख लीजिए, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा, जिनको पता नहीं कोटद्वार के आगे सड़क कुमाऊं में निकलती है कि पहाड़ में निकलती है, वो लोग यहां राजनीति करेंगे? जिनको पहाड़ का ज्ञान नहीं, किताबों में पढ़ के ये पहाड़ की परिभाषा देते। अरे साहब मत करिए ऐसे, अभी आपने इनकी भाषा सुनी कि झबरेड़ा में कैसी भाषा बोलते हैं, उसका परिचय इन्होंने दे दिया। आपने कितने कुशल
व्यवहार से आप देख लीजिए, आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे कि केजरीवाल जी को उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं पता। कर्नल कोटियाल जिसने कश्मीर के पहाड़ों में या बर्मा के पहाड़ों में या उत्तराखंड के पहाड़ों में जब आपदा आई थी, केदारनाथ नवनिर्माण करा, पुनर्निर्माण किया, वो कर्नल कोटियाल उत्तराखंड का नवनिर्माण करके रहेंगे। उत्तराखंड के बेरोजगारों को बिना किसी सत्ता के होते हुए जो 10,000 लोगों को 20,000 को ट्रेनिंग देके 10-12,000 को भर्ती करवा सकते हैं, तो ऐसे कर्नल कोटियाल 1,00,000 युवाओं को उत्तराखंड के रोजगार दे के रहेंगे। आप सुन रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया है। अरे भाई अब लड़ाई झगड़ा क्या, एक लुटेरा दूसरे लुटेरे पर वार कर रहा है। एक पहले 2014 में 2 करोड़ का रोजगार दे रहा था, एक अब आया, एक अब और आ गया। सवाल ये है कि जनता को आप क्या राहत दे सकते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये लूट नहीं, लूट की बात नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस ने आज चौड़ीकरण, हाँ जी, अरे भैया एक बात देखिए भरजी, चिल्लाने का जरूरत नहीं है। आप लोकपाल बनाने पर ये दिल्ली में सरकार आए, कहाँ लोकायुक्त है? सर धन सिंह रावत जी ने कहा था बरखा सरकाने फरकाने की एक ऐप बनाई है, मोदी जी को दिखाने ले जा रहा हूँ। अब ये बरखा आ गई, बरखा सरकार फरका दो, थोड़ी सी मोबाइल निकाल सरकार फरका दो। मंत्री जी से अपील कर रही है आम आदमी पार्टी, जनता से एक आखिरी सवाल लेते हैं। मैडम आप ये बताइए, रायपुर विधानसभा सीट हॉट बनती जा रही है, उसकी वजह आप समझ ही गए होंगे कि त्रिवेंद्र रावत जी भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी बात कही जगह की बरखा फरका दो स्वास्थ्य मंत्री, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में जो विधायक है उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं बन पा रही है, आपका वोट किसको? देखिए हमारा वोट तो उसको जाएगा जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो क्षेत्र की बात करेगा, जो उत्तराखंड की बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा, जो बेरोजगारी को खत्म करने की बात करेगा, जो महंगाई को रोकने की बात करेगा, हमारा वोट उसको जाएगा। देखिए जनता क्या चाहती है, आपने कहा कि ये सीट होट बनती जा रही है, क्यों नहीं बनेगी होट? हम चाहते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो आ जाए, वो लड़े, क्योंकि जब वो लड़ेगा, जब बड़ा व्यक्ति किसी से कहीं जगह से चुनाव लड़ता है ना, तो जनता की आशाएं उससे और ज्यादा भी हो जाती है और बड़ी हो जाती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। होगा विकास होगा। आपको किस पार्टी पर भरोसा है, किसको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास करेगी? देखिए वर्तमान विधायक जी से तो बिल्कुल हम नाखुश हैं, वो मैं तो समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल विकास के काबिल नहीं है। कोई और नया व्यक्ति अगर भाजपा देती है तो एक बार सोचा जाएगा, भाजपा या कांग्रेस में से कोई भी। आम आदमी पर भरोसा नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो बेचारी कहीं है ही नहीं ना, उसके बारे में क्या बात करनी है। आम आदमी पर भरोसा नहीं। सर आपका भरोसा किस पर? मैं तो कांग्रेस के पास है, क्योंकि जो विधायक हो कब कौन कहाँ चल जाए पता नहीं भाई। तो सर विधायक तो पहले कांग्रेस के काउ साबित है। तो सवाल पूछना चाह रहा मैं, हर पार्टी में ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया, 2016 में 9 विधायक गए हैं। ये मतलब आप जाओ कर्नाटक देखो, मैं सॉरी बाहर जाना चला गया गलती से, कर्नाटक देखो आप, मध्य प्रदेश देखो, ये इनकी आप चाहते किसको है ये बताइए। मैं तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा मैं उसको चाहता हूँ। भाई साहब किसकी सरकार चाहते हैं रायपुर में? भाजपा। भाजपा तो भाजपा भाजपा इन लोगों को भाजपा है। आज आप एक एक घर में चले जाइए अपना कैमरा लेके, भी पाइपलाइन बिछ गई, बिना मोटर के पानी चढ़ता है, एक एक सड़क देख लो, रायपुर में माल देवता की तरफ नहर कॉलोनी सीवर लाइन देख लो, आप जाके कैमरा लेके लोगों से। एक आखिरी, आप चाहते हैं काऊ काऊ साहब को, अगर काऊ साहब को टिकट नहीं मिला तो किसे? काऊ साहब को टिकट नहीं मिला तो किसे? भारतीय जनता पार्टी। काऊ आप काऊ साहब का टिकट पक्का है आप कह रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, काऊ साहब का टिकट पक्का है? सर काऊ साहब का, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर काऊ साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं भाई इसका, तो आप वो कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे, वो भाजपा से ही लड़ेंगे और भाजपा से उनका टिकट पक्का है और वो चुनाव जीतेंगे। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत काम किए। सर आखिरी सवाल, अगर इस सीट पर आपका कोई प्रतिनिधि लड़ता है, कोई भी लड़ता है, क्या विकास कार्य किए जाएंगे, क्या इस सीट में जरूरत है? देखिए निश्चित तौर पर हम इस कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पर जीतेगा, और जो हमारी सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य इन पर हमारा फोकस रहेगा, हमारा यहाँ सफाई व्यवस्था पर फोकस रहेगा, हमारा यहाँ पर सड़कों के और पुलों का व्यवस्थीकरण का होगा, उनको ठीक करने का होगा।
इसके साथ ही सर क्या विकास कार्य करेंगे अगर एक बार फिर आपको मौका मिलता है सीट पर जीतने के बाद? बिल्कुल, जो काम कांग्रेस ने खराब किए हैं पहले तो उनको सुधारने काम करेंगे। साढ़े चार साल में क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? मेटलिस्टिक चेंजेस लाए, सोसाइटी को हमने रिफॉर्म किया है, एजुकेशन देखिए पहले कहाँ थी अब कहाँ है, उत्तराखंड का एजुकेशन रेशो आप देख लीजिए, बिजली की सुविधा यहाँ पे देख लीजिए, रोड की स्थिति। विकास कार्य क्या करेंगे मौका मिलता है जो छूट गया? जो छूट गया, छूटा तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश रह गई तो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी फ्री का एजेंडा नहीं चाहिए, कोई और विकास कार्य मांगती है जनता, क्या विकास कार्य देंगे इन लोगों को? 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और उसके लिए हमारे 7,000 कार्यकर्ता कल से घर घर जाएंगे, 7,000 कार्यकर्ता घर घर जाके रोजगार गारंटी कार्ड बनाएंगे। उस रोजगार गारंटी कार्ड के लिए एक नंबर है 7669। लोगों को रोजगार देंगे, फ्री की मुफ्त की बिजली देंगे और अगर रोजगार नहीं मिला तो 5,000 रुपए भरता देंगे, ये आपकी पार्टी का एजेंडा रहेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बदल दिए, तीन मुख्यमंत्री बदल दिए भाई साहब। अब क्योंकि रायपुर विधानसभा सीट पर जनता चाहती है कि एक बार फिर बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव ऐसा हो जो उनकी समस्याएं सुने, जो उनकी बातों को समझे, जो जरूरत उनको चाहिए वो पूरी करे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2022 का जो चुनाव है वो रायपुर विधानसभा सीट पर काफी अलग रहने वाला है। फाइनली अभी तो ये कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और लेकिन बड़ी चीजें ये भी हैं कि इसका फायदा लोगों को कितना मिलता है। 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, कौन रायपुर से विधायक बनता है, ये भी देखना होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।